प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुद्रा योजना के लाभार्थियों से की बात। कहा जब हुनर को प्रोत्साहन मिलता है तो उसे मिलती है और बढ़त। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों ने गिनाई उपलब्धियां। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं के परीक्षा परिणाम। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों ने मेरिट में बनाया स्थान। और रायगढ़ पहुंची मुख्यमंत्री की विकास यात्रा। 2,72,000 किसानों को वितरित की धान बोनस की राशि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुद्रा योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि अभी तक 6,00,000 करोड़ रुपए के ऋण इस योजना के तहत दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब हुनर को प्रोत्साहन मिलता है तो उसे और बढ़त मिलती है। हमारा इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर विश्वास है। हमारा इस देश के मेहनतकश लोगों पर विश्वास है, उनके सपनों पर विश्वास है, हमारी माताओं बहनों के कौशल्य पर विश्वास है। अगर युवाओं को दशकों पहले मुद्रा जैसी योजना मिल जाती तो मुझे पूरा विश्वास है कि शहरों की ओर पलायन की समस्या इतनी विकराल नहीं होती। बूढ़े मां बाप को छोड़कर के किसी नौजवान को शहर में भटकना नहीं पड़ता। बिना बैंक गारंटी कर्ज मिलने पर, कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलने पर युवा अपने गांव या शहर में रहते हुए अपने दम पर कोई न कोई रोजगार शुरू कर रहा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मुद्रा लोन मिल रहा है। आज एक सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी नाम और पहचान के बिना मुद्रा लोन की मदद से एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। प्रधानमंत्री का कहना था कि मुद्रा योजना में तय लक्ष्य से अधिक ऋण दिए गए हैं। कुल ऋण का 55% एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को दिया गया है। श्री मोदी ने बताया कि 3 करोड़ से ज्यादा ऋण ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने पहली बार कोई कारोबार शुरू किया है। मुद्रा योजना के तहत 55% पिछड़े समाज के व्यक्तियों को दिए गए हैं। यानी कुल 12 करोड़ लोन में से 55% लोन एसटी एससी और ओबीसी समाज के हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को मिला है। इस संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री ने जहां मुद्रा योजना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वहीं लोगों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि सरकार की कोशिशों से देश की आर्थिक ताकत मजबूत हुई है। गृह मंत्री का कहना था कि अर्थव्यवस्था ऐसे ही बढ़ती रही तो वह दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मुझे यह लगता है कि शायद 2018 और 19 का ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा, वित्तीय वर्ष होगा, इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह किसी भी देश के लिए कोई एक छोटी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। यानी हमारे देश की आर्थिक ताकत दिनों दिन मजबूत हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अर्थशास्त्रियों ने भी यह विश्वास व्यक्त किया है कि जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, यदि ऐसे ही बढ़ती रही
तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आगामी कुछ वर्षों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो जाए। यह विश्वास अब दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री व्यक्त करने लगे हैं, यानी भारत की आर्थिक ताकत पहले की अपेक्षा काफी तेजी के साथ बढ़ी है। ईटानगर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना पर बात की। उनका कहना था कि तकनीक की मदद से 431 योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे पहुंचने लगे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एज अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी डायरेक्टली इन द बेनिफिशियरीज अकाउंट इज यूज्ड टू कवर 431 स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। रक्षा मंत्री का कहना था कि सरकार अपनी योजनाओं के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में सफल रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुआवजा दिलाने की मांग की है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बालोद जिले में आयोजित यादव समाज के सम्मेलन में पहुंचे। समाज ने उन्हें पारंपरिक खुमरी और लाठी भेंट कर स्वागत किया। कृषि मंत्री ने सामाजिक भवन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इस बार 88.70% परीक्षार्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। प्रखर मित्तल, रिमझिम अग्रवाल, नंदिनी गर्ग और श्री लक्ष्मी जी ने 500 में 499 अंक लाकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की साक्षी भागड़ीकर ने 99.6% अंक हासिल कर देशभर में दूसरा और भिलाई की साक्षी महेश्वरी ने 99.4% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। कोई भी एग्जाम हमारी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को हमारे नॉलेज से ज्यादा टेस्ट करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि परीक्षाएं जो होती हैं वो कोई डरने वाली नहीं बल्कि हिम्मत से सामना करने वाली एक बात होती है, और मेरे लिए भी परीक्षाएं कुछ ऐसी ही थी। इसकी तैयारी यदि कही जाए तो मैंने शुरुआत से ही कर दी थी। जिस दिन हम 10th में आए उस दिन से हमने इसकी तैयारी शुरू की थी, और परीक्षा के समय मैंने ज्यादा ध्यान पुनरावृत्ति पर यानी रिविजन पर दिया, न कि पढ़ने पर। और बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे मोटिवेशन हमेशा से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, और इसके अलावा मैं महाभारत के पात्रों जैसे श्री कृष्ण और कर्ण से भी इंस्पिरेशन, उनसे प्रेरणा लेती रही हूं। और मेरी यही इच्छा है कि मैं किसी दिन कुछ महान करके अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। अभी आगे करना क्या है, क्या बनना चाहती हूं? मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूं, इसरो ज्वाइन करना चाहती हूं। रायपुर की प्रांजलि सिंह बुंदेला 99% और अंशी पांडे को 98.4% अंक मिले हैं। इस परीक्षा में 97.31% के साथ नवोदय विद्यालय का परिणाम सबसे अच्छा रहा, जबकि 95.96% के साथ केंद्रीय विद्यालय दूसरे स्थान पर रहा। एक महीने के विकास यात्रा में निकले मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का रथ जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिलों में पहुंचा। जांजगीर चांपा के बमनीडीह, रायगढ़ जिले के छाल और जिला मुख्यालय रायगढ़ में आयोजित 3 जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने करीब 647.43 करोड़ के 148 कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 272,722 किसानों को धान बोनस के 370 करोड़ रूपये का भुगतान भी किया। जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद और सहयोग के बिना विकास का कोई भी संकल्प पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये प्रदेशव्यापी विकास यात्रा वास्तव में जनता से आशीर्वाद लेने की तीर्थ यात्रा है। उनका कहना था कि प्रदेश के आखिरी गांव तक विकास का संदेश और योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस यात्रा का उद्देश्य है। जनसभा की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जनता के बीच पहुंचकर अपने कामकाज का हिसाब दे रहे हैं, ये बहुत साहस का काम है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।